नमस्कार मित्रों, आपका जीपीएस कंप्यूटर एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है शब्द रूप। शब्द रूप में बच्चों को समस्या आ रही थी, बोल रहे थे सर कि शब्द रूप पढ़ाएं, शब्द रूप कैसे बनाते हैं और आपके किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, आइए हम जानते हैं। नियम शब्द रूप को करने से पहले आपको विभक्ति, लिंग, वचन, विभक्ति लिंग वचन इत्यादि का ज्ञान होना आवश्यक है, आवश्यक है। शब्द रूप को करने से पहले या शब्द रूप को बनाने से पहले आपको विभक्ति, लिंग वचन इत्यादि का ज्ञान होना आवश्यक है। संस्कृत में कितनी विभक्ति हैं? तो संस्कृत में 8 विभक्ति होती हैं। कितनी होती हैं? 8 विभक्ति होती हैं। आपको पूछा जाए कि संस्कृत में विभक्ति कितनी होती है? 8 होती हैं। कौन कौन सी हैं देखते हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधनम। ये आपके संस्कृत में 8 विभक्ति है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ठीक है। संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? तो संस्कृत में लिंग 3 होते हैं। कितने होते हैं? और गुरु, ठीक है, विकारांत, पित्र और मात्र, तकारांत, जगत। ये आपके क्या हैं? शब्द रूप के प्रकार हैं। अकारांत पुल्लिंग में राम आएगा, अकारांत स्त्रीलिंग में रमा आएगा, मकारांत नपुंसक लिंग में फल आएगा, उकारांत में भानु और गुरु आएगा, ऋकारांत में पित्र और मात्र आएगा, तकारांत में आपके जगत शब्द आएंगे। ये इस प्रकार हैं। सबसे पहले अपन अकारांत पुल्लिंग राम देखेंगे। राम शब्द रूप अकारांत पुल्लिंग, राम शब्द रूप अकारांत पुल्लिंग। सबसे पहले क्या लिखेंगे? विभक्ति, फिर वचन। वचन कितने होते हैं? बताया था मैंने आपको 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और
संबोधन, ये आपके विभक्ति, ठीक है। लिखेंगे राम है, रामो हो, रामः प्रथमा, रामम, रामो, रामान द्वितीया, रामेन, रामाभ्याम, रामे या रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य चतुर्थी, रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य पंचमी, रामस्य, रामयो, रामाणाम षष्ठी, रामे, रामयो, रामेषु सप्तमी, हे राम, हे रामो, हे रामा संबोधनम। यह आपके राम शब्द रूप अकारांत पुल्लिंग में हो गए। कैसे बोलेंगे इनको? राम है, रामो हो, रामः प्रथमा, रामम, रामो, रामान द्वितीया, रामेन, रामाभ्याम, रामे तृतीया, रामाय, रामाभ्याम, रामे भे चतुर्थी, रामात, रामाभ्याम, रामे भे पंचमी, रामस्य, रामयो, रामाणाम षष्ठी, रामे, रामयो, रामेषु सप्तमी, हे राम, हे रामो, हे रामा संबोधनम। इसी प्रकार से मैंने जैसे बनाया शब्द रूप अकारांत पुल्लिंग राम, उसी प्रकार से आपके रमा शब्द बनेंगे, इसी प्रकार से आपके गुरु शब्द बनेंगे, भानु शब्द बनेंगे। अगर आपको राम शब्द याद हैं तो उसी प्रकार से आप शब्द रूप बनाकर चलते रहोगे आगे से आगे। तो इससे क्या होगा, हमको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार से ये पूछेगा, ये मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम में किस प्रकार से पूछेगा, जैसे आपको राम शब्द याद हैं, तो राम शब्द याद हैं तो एग्जाम में आपको पूछ लिया राम शब्द की षष्ठी विभक्ति, भानु, लता, बालक, पितृ, सब याद आपके हो जाएंगे। जैसे और लेता हूँ मैं आपके पास, फल शब्द की तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति एक वचन, फल शब्द की तृतीया विभक्ति एक वचन क्या बनेगा, जैसे रामेण है तो इसका क्या बन जाएगा, फलेन। तो देखो राम शब्द अपने को याद तो फलेन बन गया। अब बानु शब्द की द्वितीया विभक्ति एक वचन, बानु शब्द की द्वितीया विभक्ति एक वचन क्या बनेगा, ये हमको कमेंट बॉक्स में बताना। ये आपका जो शब्द रूप का टॉपिक था ये समाप्त हो गया। मेरे को लगा होगा कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे। नमस्कार मित्रों।